नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर। मैं हूं आपके साथ शोभना गोस्वामी। मुजफ्फरनगर सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी में एक युवक का बंद कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक पंखे से लटका हुआ था और उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ सिटी दीक्षा शर्मा ने इसे पूरी तरह संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि पूरा मामला क्या है। जो था वैसे तो यहाँ पे कॉलोनी में बहुत ही सहनशील और हंसी मजाक वाला लड़का था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस कॉलोनी में ऐसा पहली बार क्या हुआ कि क्या नाम इस लड़के को फांसी खानी पड़ी, या फांसी वैसे इसके जैसे हमने देखा है बिल्कुल दृश्य अपने सामने, तो इसके गले में रस्सी थी बंधी हुई, हाथ भी बंधे हुए थे, पैरों में भी इसके रस्सी बंधी हुई थी। तो ये जो मामला है कुछ हत्या का प्रतीत हो रहा है। वहाँ पर अनमोल पुत्र स्वर्गीय योगेश, 22 वर्ष उसकी करीबन उम्र है, काशीराम कॉलोनी में उसके घर में पंखे से लटका हुआ उसका शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। उसको पीएम के लिए भेज दिया गया। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होने के बाद वैद्य ने कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सनी धीमान की रिपोर्ट। देश और दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर।